हुनर तो हर किसी में होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है हेलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और जरूरी भी वीडियो है समझ रहे हो

आइए बात करते हैं यानी डेसिमल। दशमलव का स्थानीय कैसे निकालते हैं साथियों टॉपिक बहुत से बच्चों द्वारा मांगा गया था जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको देता हूं हमारी कोशिश होगी इसमें कम समय में ज्यादा करने की ठीक है छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई टू फाइव नाइन सेवन इसमें अगर मैं बोलू कि पांच का स्थानीय मान तो कर लोगे बोलो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू जानते हो बता रहा हूं देखो इसमें पांच का ना ये सिंपल में लिखते हैं इंटू वन लिखते हैं ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं भाई मेरे कि कितने गिनती हैं इसके बाद में दो है ना तो यहाँ पर दो जीरो लगा देते हैं फाइनल में गुड़ा कर लेंगे ये पांच सौ आंसर हो जाएगा है ना कितना आसान कमाल की चीज आसान है ना अब हम बात करेंगे कि अगर इसमें दशमलव हो तो कैसे हल करेंगे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं इधर साइड में हल करके दिखाऊंगा अगर इसमें दशमलव हो जैसे टू फाइव सेवन अब इसमें अगर दशमलव लग गया तब क्या होगा दोनों चीजें बताऊंगा देखो मेरे भाई अगर दशमलव के लेफ्ट साइड की गिनती की बात करें स्थानीय मान तो बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे इसका निकल रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है इसका स्थानीय मान निकालने का मतलब है पच्चीस का कि जैसे सिर्फ और सिर्फ अगर पच्चीस का पूछा जाए तब होता हाँ पच्चीस का तो स्थानीय मान नहीं निकलेगा इसमें एक एक अंक का निकलता है तो जैसे इसमें अगर मैं पाँच का बोलता तो पाँच का प्लेस वैल्यू पाँच गुड़े एक इसके इधर कुछ नहीं है तो पाँच ही होता है ना समझ लो न भैया अगर दो का बोलता तो दो गुड़ा एक और एक के बाद में देखो दो के बाद एक गिनती थी इसलिए एक जीरो यानी बीस तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसमें आपका स्थानीय मान निकला है पच्चीस का सॉरी 25 में मतलब अंकों का वैसे ही इसमें भी निकलेगा एकदम सेम इनके गिनती के दशमलव से कोई मतलब नहीं है लेकिन असली खेल तो शुरू होता है मेरे भाई जो दशमलव के दूसरे साइड है उसमें वहाँ से शुरू होता है असली खेल अब देखो असली खेल का क्या कहानी है समझो आओ इधर देखो समझो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बात करें अगर हमें कहें कि नौ का स्थानीय मान बताओ यहीं से समझने वाली चीज़ है तो क्या करते हैं पता है सबसे पहले वो गिनती लिखते हैं जो है नौ फिर गुड़ा ध्यान रहे अब इसका सारा हिसाब किताब जैसे यहां पर होता था कि दसम्लो के बाद दाहिनी तरफ कितनी गिनती है इधर साइड ना वैसे करते थे अब हमको दाहिनी साइड नहीं जाना दस अम्लो के हमको बाई साइड आना है इसमें क्या करना है बाई साइड आना है यानी हमें इसमें इधर साइड आके हिसाब करना है तो आप देखो दसम्लो और ये नौ के बीच में कितने का अंतर है कोई गिनती है नहीं है ना कोई गिनती नहीं ना अच्छा एक बात बताओ अगर जीरो पॉइंट नाइन लिखा होता तो मेरे भैया इसको हम नौ बटा दस लिख सकते थे कि नहीं सही सही बताओ ईमानदारी से ऐसा मैं लिख सकता था बोलो लिख सकता था ना तो मेरे भाई अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा पता है आपको बस वही सिंपल में वही जो आप वहाँ देख रहे हो वही होगा लेकिन कैसे होता है इसका थोड़ा एक तरीका अलग हो जाता है नौ गुड़े एक बटा दस। लिखने के लिए इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस है तो एक बटा करके कोई अंक नहीं है बीच में तो दस यानी नौ बटा दस इसका आंसर आ गया या फिर फाइनल में इसे भी बोल सकते हो यह था दस हमलों का में एक इसी को मैं अगले नेक्स्ट पेज पे अभी और बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ बस हमारे साथ रहना कहीं जाने का नहीं किसी को आ? चलो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ो भैया अगला पेज आगे दिखाओ चलो ये तो आप कर ही लिए हो अब अगले पेज पे चलो इसको स्क्रीन ले लो फट से अभी टू फाइव पॉइंट नाइन सेवन है ना क्वेश्चन आओ चलो चलें जल्दी हम्म हम्म देख लो ये सब चल भैया अरे यार, यार इकट्ठा क्या क्या लगा दिया कितना सारा ये चलो देखो क्वेश्चन टू फाइव नाइन सेवन इसमें मैं नाइन का कर चुका हूं ना भैया अगर सेवन का प्लेस वैल्यू करें तो क्या होगा मेरे भाई इसमें भी ऐसे सेवन इन अब देखो यहाँ पे समझना पूरा खेल इनको यहाँ से ले लो जीरो पॉइंट नाइन सेवन जो ये पच्चीस था यहाँ इसको भूल जाओ पच्चीस से कोई मतलब नहीं है हमें अब दशमलव के सिर्फ और सिर्फ दाहिनी साइड वाले गिनती से मतलब है ठीक है तो इसमें एक मिनट के लिए समझो कि अगर हम इसको हटा दें नौ को तो जीरो पॉइंट जीरो सात हो जाएगा बोलो भैया हो जाएगा ना नौ को मैंने हटा दिया जीरो मान लिया तो ऐसी स्थिति में इसको हम सात बटा सौ लिख सकता हूँ लिख सकता हूं ना तो बस यही करते हैं इसमें यानी जितनी भी गिनती इसके पहले होगी सबको हटा के जीरो मान लेते हैं और लास्ट में जो आता है ये ऐसे बन जाता है अभी दो चार एग्जाम्पल हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा अच्छे से तो ये फाइनल में हो जाएगा जितना आया इतना ही आएगा इसको वन अपान हंड्रेड ऐसे कूड़ा करते हैं बात समझ में आई फाइनल में आता यही है जो वहां आया था तो सात बटा सौ ये आंसर हो गया या दो अंक पर दशमलव लगाओगे तो जीरो सेवन अभी और क्लियर हो जाएगा अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बस कहीं जाने का नहीं किसी को अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा देखो एक और यहां दिख रहा है दिख रहा ना बाबूआ चलो जैसे अगर मैंने कहा कि इसमें आपको नाइन का प्लेस वैल्यू तो आपको सिंपल में क्या करना है इसको जीरो पॉइंट ये पॉइंट है ये है ये दो को भी जीरो मान लो और नौ लिख लो ये मान के मैं आपको हल हल्का तरीका बता रहा हूं अभी ऐसे करना नहीं समझ आ रहा हूं तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई हम इसको नौ बटा सौ लिख सकता हूँ बोलो अगर दो अंक पर दशमलव है लिख सकता हूँ ना तो यही आंसर होगा बस सिंपल सी बात है यानी दशमलव के नीचे दशमलव इसके पहले जो गिनती थी उसको जीरो मान लिया नौ बस इतना आ गया लेकिन ये आता कैसे है वो तरीका ये होता है तरीका कौन सा होता है मेरे भाई देखो सबसे पहले ये नौ को ऐसे लिखेंगे इन टू वन तरीके से आगे बढ़ते हैं मैंने बता दिया ना आपको दस दशमलव और इस नौ के बीच में एक गिनती है अगर एक गिनती है तो दो जीरो नीचे बढ़ेगा आराम से अगर तीन गिनती है तो चार जीरो बढ़ेगा जितनी गिनती रहेगी उससे एक ज्यादा जीरो बढ़ेगा याद रखना इस बात को ठीक है तो मेरे भाई अगर एक गिनती है दो जीरो बढ़ेगा फाइनल में आपका नौ बटा सौ ये आंसर हो गया या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ये दोनों आंसर हो गया ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं तो ये था क्या दशमलव का स्थानीय मान अभी आगे बढ़ो कहीं जाना नहीं अभी बहुत कुछ है यहां पर मेरे पास आपके लिए आगे बढ़ो फटाफट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन टू फाइव थ्री इसमें अगर थ्री का प्लेस वैल्यू बोले तो कैसे होगा जानते हो वीडियो को एंड तक देखना सीखना है जाना नहीं कहीं आओ सबसे पहले तीन को लिखोगे

दस है तो तीन बटा में हजार लिख सकता था बताओ या नो लिख सकता था ना मेरे भाई अरे बोलो ना यार कमेंट में पक्का लिख सकता था चलो देखो ठीक है फिर अच्छी बात है आओ तो इसको क्या करेंगे आंसर यही लाना है जो यहाँ आया है एक बटा वही तीन जीरो जो वहाँ बढ़ा है बस ये आंसर हो गया ये आंसर हो गया या फिर इसे दशमलव में बदल लोगे ये आंसर हो गया दोनों तरीके से आप लिख सकते हो फाइनल आंसर ये भी वो भी बात समझ में आई ना तो ये था क्या दशमलव का स्थानीय मान इसमें किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता दो मुझे नहीं ना कोई डाउट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पीडीएफ पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा बाबू ठीक है तो हमें ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम पे अगला नेक्स्ट स्लाइड चलो भैया आओ नेक्स्ट फोर एट पॉइंट थ्री फाइव नाइन फोर एट पॉइंट थ्री फाइव नाइन इसमें आप मुझे हर एक अंक का स्थानीय मान निकाल करके कमेंट करोगे ठीक है ये वीडियो खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे फिर हम आपको और बेहतरीन तरीके से और अच्छा अच्छा वीडियो देंगे आप लोग जो भी आपका डाउट है किसी प्रकार का सवाल वीडियो में कमेंट करो अब मैं एक डाउट सेशन लेके आने लगा हूँ ये डाउट सेशन ही था जैसा कि मैंने नाम स्टार्टिंग बताया था कुछ नाम बचे थे जैसे इसमें पूनम सिंह बबीता राय आ, मोहन सिंह लौकुश कुमार अग्रहरी और सुचिता राय और बहुत से बच्चे थे सबका नाम यहाँ पॉसिबल नहीं इनके डाउट थे ये तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत थैंक यू दिल से धन्यवाद वीडियो को शेयर करना वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना मेरे भाई ठीक है ना लाइक करते हो ना बॉडी एनर्जी मिलती है अंदर से एकदम जीरा मैंने जान आ जाती है